लाइट कैमरा एक्शन। हेलो एवरीवन, तो आज हमें जमशेदपुर में सुमित का फॉर्मर घर, पहले मेरा घर यहाँ हुआ करता था। मैंने जमशेदपुर से ही, जमशेदपुर वॉज माई होम टाउन बेसिकली। तो आप आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आई है। तो आज हम आए रांची से, करीब 2.5 से 3 घंटा लगे हम, लगा हम गाइड करके आ गए। एक दिन के छोटे से ट्रिप पे हम आए हैं और एंड वी आर स्टेइंग एट द सोनेट। जब जमशेदपुर में था तो कभी होटल में सच नहीं रुका था, बट पापा वहाँ शिफ्ट हो गए तो उसके बाद अब जमशेदपुर भी थोड़ा आना कम हो गया है, लेकिन अभी आए सोनेट। पीछे जो दिख रहा है दैट इज सोनेट, दैट्स द होटल। और अभी हम वेट कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स शशांक और सिद्धार्थ आएंगे और उनके साथ फिर हम जाएंगे घूमने जुबली पार्क, मोदी पार्क, और भी देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सो दैट्स द प्लान फॉर द डे। सी यू सून, बाय बाय। रांची से हम सुबह 10 बजे निकले जमशेदपुर के लिए। मिडवे तमाड़ आता है और तमाड़ में देवड़ी मंदिर है, ये काफ़ी फेमस मंदिर है। यहाँ काली माँ का 16 हाथों वाला रूप है, ये मूर्ति 800 साल पुराना है। और देवड़ी मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए भी है क्योंकि धोनी यहाँ रेगुलरली विजिट करते हैं। रांची टू जमशेदपुर रोड्स काफी अच्छे बन गए हैं, कहीं कहीं पे अभी भी रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट अदरवाइज इट्स प्रीटी कंफर्टेबल। हम विद इन 3 आवर्स रुकते हुए भी जमशेदपुर पहुंच गए। जमशेदपुर पहुंच के होटल जब गए तो भूख लग गई थी, सो वी वेंट फॉर द बफे एट सोनेट एंड अच्छा था बफे, स्प्रेड काफी अच्छा था। अब चलिए रूम की तरफ चलते हैं। सो वी आर एट द सोनेट इन जमशेदपुर, ये काफी पुराना एंड वन ऑफ द प्रीमियम होटल्स है यहाँ का, एंड इट इज़ वेरी वेल लोकेटेड। बिष्टुपुर में है जो कि सेंट्रल लोकेशन है जमशेदपुर में कहीं भी जाने के लिए। हेलो एवरीवन, तो अभी हम हैं जुबली पार्क में, हमारे साथ है कुशाग्र, शशांक और सिद्धार्थ भी। और सिद्धार्थ काफी एक्साइटेड है, जुबली पार्क पहली बार आया है। ये एक नया ब्लॉग चैनल यहाँ पे चलते हुए, क्या नाम है चैनल का? एक्टिव राइडर। एक्टिव राइडर, सो पीटीवी झारखंड, पीटीवी झारखंड। समझ आता है, कैमरामैन के कर। हेलो, तो आज हम लोग हैं जमशेदपुर में इन जुबली पार्क इन इवनिंग लाइटिंग, और हमारे साथ है कुशाग्र, सिद्धार्थ और बूढ़ा भी, जो कि इधर उधर छितर के बुधिया, सिद्धार्थ और बुधिया दूसरा चैनल चला रहे हैं एक्टिव राइडर्स नाम से, और मिस्टर शशांक उर्फ बूढ़ा जी अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे साथ। कुशाग्र अपने गिटार वाले फॉर्म में, आइए आइए, आप भी आ जाइए, आइए, स्वागत है आपका। प्लीज ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन। हम तीनों यहाँ बैठे, एक हमारे में पार्टी के खिलाफ जाने वाला भी आदमी है जो कि एक दूसरा चैनल थोड़ा जूम कर उनकी तरफ जरा घूमेंगे, ये एक कोने से दूसरा ब्लॉग बनाते हुए कंटेंट मीडियम रखो। हाँ यस, जो भी सब्सक्राइबर ये देख रहे हैं एक्टिव राइडर सर्च करके कृपया इसके चैनल पे जाएं और डिसलाइक क्लिक करें। हां, इनका कहना है कि ये जानबूझ के देख निकले ताकि आपको रात की लाइटिंग दिखे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ऊपर का जो अच्छा इंतजाम कराया है। ताली आप खुद के लिए ना मारो, बड़ी काम मार दे ताली। अच्छा ठीक है, सब मारे तो मार दे, धन्यवाद। ये फूड स्टॉल तुराबजी पार्क के बाहर है जहाँ रिसेंटली एक नया डायमंड स्ट्रक्चर इंस्टॉल हुआ है। अच्छा, कलर भी चेंज होता है उसका। हां हां, दिस डायमंड सिग्निफाइज द जुबली डायमंड जो लेडी मेहरबाई और सर गुराबजी टाटा ने गिरवी रखा था ताकि टाटा स्टील एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाएं आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, जब टाटा स्टील फाइनेंशियल स्ट्रेस में थी। दुराबजी पार्क के बाद हम पीजेपी मॉल गए। पीजेपी मॉल जमशेदपुर का पहला बड़ा मॉल है एंड यहाँ पे काफी सारे ब्रांड्स है, इनफैक्ट बिग बाजार भी है, तो आपको हर तरह की चीजें मिल जाएंगी। हाँ, और खाने पीने का भी काफी अच्छा इंतजाम है। एक तो प्रीमियम रेस्टोरेंट है रूफटॉप पे स्काई 180, और फूड कोर्ट है ऐसे जहाँ बहुत सारे वैरायटी के काउंटर्स हैं, और हमने वहाँ खाया, काफी खाया और जम के मस्ती की। ओवरकास्ट कंडीशंस इन द मॉर्निंग, द फोरकास्ट ऑफ रेन एज वेल, मे बी स्लाइट ड्रिजल भी हो रहा है।
ये है प्रेरणा क्लासेस, मेरी इंजीनियरिंग की कोचिंग, द प्लेस वेयर मेनी ड्रीम्स आर क्रिएटेड। और अब हम बढ़ रहे हैं मेरे स्कूल की तरफ, राजेंद्र विद्यालय ऑन द राइट साइड। सो मेनी मेमोरीज। हमारे राइट साइड पारसी फायर टेम्पल है और एडजेसेंट जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ग्राउंड है। एक छोटा सा फ्लाइट भी में से एयरपोर्ट नहीं है तो ये बना दिया। दिस मेड ऑफ स्टील अगेन। सो इस तरह के आपको आर्टवर्क्स यहाँ दिखते रहेंगे रोड पे कई जगह पे जहाँ पे स्टील से चीज़ें बनी हुई हैं। राइट साइड में हम किहन स्टेडियम के बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं। यह है मोदी पार्क जहाँ कल हम आए थे। मोदी पार्क पहले नाम हुआ करता था, नाउ इट इज दोराबजी पार्क। सिंस पिछले 8-10 साल से नाम इसका चेंज हो गया, इज ऑन द नेम ऑफ सर दोराबजी टाटा, ये दोराबजी पार्क। ये एक ग्राउंड है, यहाँ पे कई बार हम लोग भी फुटबॉल खेला करते थे, अभी भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल, जो सुशांत सिंह राजपूत के फैन हैं उन्होंने दिल बेचारा में ये सारी लोकेशंस में भी देखे भी होंगे। आई वाज आल्सो शॉट इन जमशेदपुर। यहाँ के बाद हमारे सामने है जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मेन एंट्री। लेफ्ट साइड जो हम क्रॉस कर रही है कीनम स्टेडियम है। कीनम स्टेडियम में पहले सारे मैचेस हुआ करते थे बिफोर रांची वाला जेएससीए स्टेडियम केम इन। दिस यूज्ड टू बी द फॉर्मर ग्राउंड। अभी भी विजय हजारे या डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते, रणजी होता है यहाँ पे, बट इंटरनेशनल मैचेस अब नहीं होते हैं और उसका असर थोड़ा सा ग्राउंड की मेंटेनेंस पे भी दिख रहा है कि ये उतने प्रायोरिटी में अब है नहीं फॉर द स्टेट। जो हम सामने देख रहे हैं दैट इज रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सेलेंस। बचपन में हम काफ़ी इंक्विजिटिव हुआ करते थे कि यहाँ पे भी अलग अलग शेप्स के बिल्डिंग्स दिखते हैं, पिरामिड भी है। ये बेसिकली एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें एक म्यूजियम भी है और फिर थोड़ा आगे जाके हम आपको वो पिरामिड भी दिखाते हैं, जो कि हमारे लिए भी एक प्राइड की बात होती थी कि हमारे जमशेदपुर में भी पिरामिड है। द प्रेस्टीजियस एक्सलराई कैंपस। इन्हीं घरों में उड़ान की शूटिंग हुई। इन्हीं घरों में या फिर इसी घर में? इसी तरह की किसी घर में। पर्टिकुलर कौन सा था ये तो मुझे नहीं पता, बट द लाइन इसी तरह के सारे इधर। गुड मॉर्निंग। तो अर्ली इन द मॉर्निंग हम आए हैं जुबली पार्क वॉक करने। द जमशेदपुर बॉय इन जुबली पार्क। पर सुमित तुमको माधवन का घर नहीं दिखा है। यार माधवन कहाँ रहता है हमको भी नहीं पता, कहाँ रहता था हमको भी नहीं पता। एंड ऑन द सिमिलर नोट इम्तियाज अली का भी घर कहाँ है वो भी हमको नहीं पता। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। प्रियंका चोपड़ा का घर, प्रियंका चोपड़ा के नानी का घर समवेयर इन आदित्यपुर है, इतना पता है। बाकी देखो ना जुबली पार्क, तुम बोलो कि घर देखने से क्या मतलब है। तो मेरा कुछ देर पहले स्वेट शर्ट तुम उतार दी थी कि गर्मी लग रहा है, कुछ अचानक विचार परिवर्तन हो गया मौसम का मिजाज देख के। तो ये है जुबली पार्क, थोड़ा क्लाउडेड सा है। नॉर्मल अगर क्लाउडेड ना रहे तो वो जो एंड पे पेड़ वगैरह दिख रहे हैं उसके पीछे दलमा रेंज भी दिखता है। तो मेधा कैसा लग रहा है जमशेदपुर आके फर्स्ट टाइम? इट्स अ गुड प्लेस, वेल कंस्ट्रक्टेड है एंड द बेस्ट पार्ट इसकी स्मॉल टाउन भी है एंड मेट्रोपॉलिटन जैसा भी है। जमशेदपुर एक्चुअली जमशेदपुर में टाटाज का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, द सिटी इज नेम्ड आफ्टर देम, बीट जमशेदपुर और टाटा नगर जो कि दोनों नाम यहाँ के हैं। एंड यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय टाटा ग्रुप। एंड क्योंकि इट्स अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, हर जगह के लोग आते हैं, सो द कल्चर इज आल्सो वेरी कॉस्मोपॉलिटन। यू विल गेट पीपल फ्रॉम ऑल द स्टेट्स इन जमशेदपुर। और एक अपब्रिंगिंग के वक्त या स्कूलिंग के लिए बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे रहता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी वेल मेंटेन्ड एंड पॉलिसीज एज अ एम्प्लॉयर टाटा ग्रुप इज फैंटास्टिक। इवन अभी हमने कोविड के वक्त ये भी सुना था कि अगर किसी फैमिली में कुछ ऐसा बिरीवमेंट हुआ बिकॉज ऑफ कोविड तो उन फैमिलीज को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन मिला है फ्रॉम टाटा ग्रुप। सो दीज आर द काइंड ऑफ वैल्यूज दैट द ग्रुप स्टैंड फॉर। बाकी जगह भी, आई मीन बीइंग फ्रॉम जमशेदपुर, अगर आप बाहर जाते हैं और वहाँ पे जब टाटा ग्रुप के बारे में आप ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है आपको, एंड ऑल द मोर बिकॉज यू आर एबल टू रिलेट टू इट, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं, इस तरह का माहौल यहाँ पे देखा है। मेधा पोजीशन की तलाश में जहाँ पे वो फोटो खिंचा सके। हाँ अरे
कुछ तो अलग ही स्टाइल में दौड़ी है। माई स्टाइल। अच्छा, तो जुबली पार्क के बारे में कुछ कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हैं। फर्स्ट जनवरी या न्यू ईयर के अराउंड यहाँ पिकनिक मनाने सब लोग आते हैं। बहुत भीड़ होती है उस पर, बट बारी बारी से सब लोग आते हैं और सब लोग कहीं चादर बिछा के बैठ जाते हैं, कहीं कोई बैडमिंटन खेल रहा होता है, कहीं कुछ चल रहा होता है, तो वो होता है। दूसरा ट्रिविया ये है कि 3 मार्च को जुबली पार्क एंड एसोसिएटेड प्लेसेस को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। 3 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज फाउंडर्स डे। टाटा स्टील वगैरह में 3 मार्च को छुट्टी भी होती है, क्योंकि 3 मार्च को जे एन टाटा जो कि फाउंडर हैं उनका बर्थडे होता है, तो दैट इज सेलिब्रेटेड वेरी वेल। और अगर आप जमशेदपुर के आसपास हैं या जमशेदपुर आना प्लान कर रहे हैं तो उस समय भी आना काफ़ी अच्छा होगा। एनीवे आप कभी भी आपको अच्छा ही लगेगा। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लेक जो कि जुबली पार्क में ही है। दिस इज द लेक एंड देयर आर बेंचेस एज वेल। शाम को यहां भी लोग वॉक करते हैं। ड्यूरिंग आवर स्टूडेंट डेज हम भी यहां आके बैठा करते थे। दिस वॉज वन ऑफ द प्रेफर्ड लोकेशन। जब भी हमारे दोस्तों की रीयूनियन वगैरह होता था या बहुत लोग मिल रहे होते थे तो ये मीटिंग पॉइंट होता था। लेक साइड आ जाओ, फिर वहाँ से चलेंगे जहाँ चलना है। दिस इज द लेक। तो मेरा जू भी चलना है। जू तो तुम्हारा फेवरेट जगह है। यस, और हम जू रिसेंटली मैसूर में हो आए हैं। अगर आप जू देखना चाहें तो हमारा वो वीडियो सजेस्टेड वीडियोस में ऊपर आप देख सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। अभी हम लेक साइड में हैं, इसके बिल्कुल बगल में जू भी है और ये लेक साइड जुबली पार्क के बिल्कुल बगल में भी है। रोड्स का मजा लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लेफ्ट साइड में बेल्डी क्लब है और हमारे राइट साइड में लॉयला स्कूल। अभी हम आए हैं बेल्डी काली मंदिर। दुर्गा पूजा के वक्त यहाँ पे भी बहुत अच्छा सा पंडाल लगता है। बेल्डी काली बाड़ी भी बोलते हैं यहाँ लोग इसे। बाड़ी इन बांग्ला मीन्स घर, तो काली माँ का घर। और मैनी बंगाली फैमिली इज लिविंग इन जमशेदपुर एज वेल। बेल्डी जगह का नाम है। और सामने गोल्फ कोर्स है। हम अब यूनाइटेड क्लब वाले एरिया में हैं। हमारे लेफ्ट साइड में चेयरमैन्स बंगलो है। जब रतन टाटा जमशेदपुर आते हैं तो वो यहाँ रुकते हैं। और राइट साइड में वी आर क्रॉसिंग यूसी जो कि यूनाइटेड क्लब है। स्ट्रेट हमारे आगे TMH है, टाटा मेन हॉस्पिटल। ये भी कई सारे मूवीज वगैरह में कवर होता है एंड ऐसे इट्स अ लाइफलाइन फॉर द पीपल इन जमशेदपुर। बाय द वे हम चेकआउट कर चुके हैं होटल से। हम चेकआउट कर चुके हैं और अब आनंद में जाने वाले हैं दोसा के लिए। हमारा दोसा आ गया, बटर मसाला दोसा। लुकिंग फॉरवर्ड, काफ़ी दिनों से आनंद का दोसा नहीं खाया था। मेधा कह रही थी कि यहाँ भी साउथ इंडियन खाना खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ भी बैंगलोर में खाते थे, बट आनंद का स्वाद कुछ अलग है। बहुत ही मस्त डोसा, सांभर चटनी तो लाजवाब। चटनी बहुत मज़ेदार, क्योंकि दोबारा तिबारा लिया है। आनंद से निकल के हम आगे बढ़े तो वो सॉफ्टी कॉर्नर हुआ करता था पहले, वहाँ रुके। बट सॉफ्टी कॉर्नर अभी बंद है। बचपन में मतलब पहले कई बार ऐसा हमें मन होता था कि पापा पेट्रोल भरवाए गाड़ी में तो यहीं पे भरवाए, ताकि साथ में हमें सॉफ्टी खाने मिले। और ऐसे भी आनंद से निकलने के बाद कई बार हम यहाँ आके सॉफ्टी खाते थे। ये छप्पन भोग, यहाँ चाट बहुत अच्छा मिलता है इवनिंग के वक्त। मिठाई वगैरह अभी में भी मिल रहा होगा, हम कुछ ले भी लेंगे साथ। जाते हैं शॉप एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल बिष्टुपुर बाज़ार के बीच में हम जस्ट आनंद से पैदल चल के आए। ये सामने बिष्टुपुर का
इलाका जहाँ पे होटल नटराज है। DDLJ happening live. आओ आओ। बिष्टुपुर में थे तो हमने द फेमस भाटिया शेक भी पिया। I had butterscotch and Medha had chocolate. पकीटा चनाचूर में आपको हर तरह का चनाचूर मिल जाएगा, ज़्यादा झाल कम झाल जैसा आप बोलिएगा भैया बना के दे देंगे। कम झाल वाला भैया पैकेट दे देंगे। ये अमर मार्केट, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हर तरह का मिल जाएगा, मोबाइल फ़ोन्स, चार्जर्स, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे ही जितने तरह की चीज़ें हो सकती है सब आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। कपड़े वगैरह भी मिलते हैं, बट इट इज़ मेनली फेमस फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम। मीनवाइल इधर साइड से मेधा मिक्सचर में लगे हुए हैं, दबाए हुए हैं लगातार। क्या छोटे में क्या बोलते? पापा बोलते थे इसमें चाय बनता है, इतना धुआं। इतना बड़ा सा चाय बनता है। ये कौन सी जगह है? साक्षी गोलचक्कर के पास जा रहे हैं। ये लेफ्ट साइड में अपने साक्षी आई हॉस्पिटल है, सामने बड़ा सा साक्षी गोलचक्कर आएगा जिसके थ्रू हम होके जाएंगे टूवर्ड्स मरीन ड्राइव। दाईं तरफ साक्षी बाजार हो जाता है। ये जगह है दो मुहानी, जो डोबो ब्रिज है जो टाटा से रांची के लिए कनेक्ट करता है उसके बहुत नज़दीक में ही है दुमुहानी। ये दो रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है। लेफ्ट साइड से खरकई नदी आ रही है और राइट साइड से सुवर्णरेखा, ये दोनों मिलके फिर आगे बढ़ते हैं। खरकई नदी आदित्यपुर की तरफ भी जो ब्रिज है वहाँ से होके आती है और सुवर्णरेखा आगे से, और ये दोनों यहाँ दुमुहानी पे मिलते हैं। ये छठ घाट भी होता है, छठ के वक्त यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसको सजाया जाता है, क्लीन किया जाता है और अलग ही माहौल होता है। तो हम लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं नींद भगाने के लिए एंड सुमित प्लस रियली नाइस चॉइस ऑफ सॉन्ग्स। ये सीखा लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। एंड सुमित इज बैक विद हिज चॉइस ऑफ सॉन्ग्स। कितना तो दुख है उसके जीवन में, कटी पतंग है। क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये तुम खाली ऐसा ऐसा वाला अपना वाला सब नहीं करती है, मेरे वाले को रिकॉर्ड कर रही है। रिकॉर्डिंग मेरे हाथ में है तो यही होगा। चलो बीच में हमारे गुंडी में रोक देते हैं। फिर दिल में करार कितना नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। नासिक